नमस्कार, जोहार, आदाब। संथाल परगना के क्लियर न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर संपूर्ण संथाल परगना से। खबर सबसे पहले देवघर से। बुलाहट की इस यशोदा की एक ही चाह, सवर जाए बच्चों की जिंदगी। एक से दो बच्चों को ही पालने में अभिभावक को पसीना छूटता है। वही मधुपुर के पसिया मोहल्ले के छोटे से घर में आदिवासी बेरना दत्त तिर्की 40 बच्चों का भविष्य सवार रही है। इस यशोदा की एक ही चाह है, ये बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। इनकी परवरिश के लिए उन्होंने बुलाहट नाम की संस्था बनाई है। यहाँ 17 लड़कियाँ और 23 लड़के तालीम ले रहे हैं। कोई अनाथ है तो किसी की माँ नहीं है, कोई बेहद गरीब है, बुलाहट ने इसको आश्रय दिया है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने झारखंड के 6 एनएसएस स्वयंसेवक दिल्ली के लिए रवाना। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में शामिल होने के लिए झारखंड से राष्ट्रीय सेवा योजना के 6 विद्यार्थी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसमें रांची यूनिवर्सिटी के 3 विद्यार्थी के अलावा शिवम कुमार और अभिषेक रंजन तथा देवघर की एक स्वयंसेविका पल्लवी भारती पटना के लिए रवाना हुई। फिर वहाँ से सभी के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 100 दिन, 271 साइबर क्रिमिनल, 570 मोबाइल, 805 सिम कार्ड, 244 एटीएम, 183 पासबुक, 11 लैपटॉप और भी बहुत कुछ। एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा के देवघर एसपी के रूप में योगदान देने के बाद साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 100 दिनों में पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध के कुल 271 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस द्वारा 570 मोबाइल फोन, 805 सिम कार्ड, 244 एटीएम कार्ड, 183 बैंक पासबुक, 22 चेकबुक, 11 लैपटॉप, 5 स्वाइप मशीन, 2 राउटर, 50 बाइक, 13 चारपहिया वाहन और नगद 22,83,300 रुपए बरामद किए। दुमका पंचायत समिति के सदस्यों ने मानदेय नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। दुमका पंचायत समिति के सदस्यों ने 51 माह से लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने पर आक्रोश जताया है। सदस्यों ने कहा कि राजग के बाद यूपीए की सरकार भी उन लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। कहा कि दुमका उपचुनाव से पूर्व झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने भी सदस्यों को यह भरोसा दिया था कि अगर वो विधायक चुने गए तो तुरंत मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराने की पहल करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। 2 जनवरी से बदले टाइम टेबल पर चलेगी 20 मिनट पहले पहुंचेगी दुमका, बुकिंग शुरू। 2 जनवरी से रांची दुमका और 3 से दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस चलने लगेगी। रेलवे ने इस ट्रेन को स्पेशल बनाकर चलाने की घोषणा के साथ ही टाइम टेबल में फेरबदल किया है। रांची से चलने वाली दुमका इंटरसिटी 5 मिनट लेट खुलकर 20 मिनट पहले दुमका पहुंचेगी। हालांकि बोकारो और धनबाद का टाइम टेबल नहीं बदलेगा। वापसी में दुमका से 10 मिनट लेट खुलेगी। इस वजह से धनबाद 6 मिनट लेट आएगी और रांची 5 मिनट देर से पहुंचेगी। बासुकीनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा मास्क। बासुकीनाथ धाम में नववर्ष के अवसर पर शुक्रवार को उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर बासुकीनाथ मंदिर प्रबंधक व जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय व सजग है। मंदिर प्रबंधन व जिला प्रशासन के द्वारा पूरा प्रयास होगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइंस के अनुसार दर्शन पूजन कराया जा सकेगा। श्रद्धालु सुगमता पूर्वक अभिषेक कर घर वापस लौट सकेंगे। इसको लेकर मंदिर प्रबंधक के द्वारा आवश्यक तैयारी की जा रही है। निजी विद्यालय में होगा 25% बच्चों का निःशुल्क नामांकन। खबर गोड्डा जिला से है। जिले के निजी विद्यालयों को मार्च से पहले 25% गरीब बच्चों का निःशुल्क नामांकन अपने विद्यालय में करना अनिवार्य होगा। जिले के 4 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय और 105 गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को जनवरी माह की 15 तारीख से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2019 के तहत अपने संस्थान में 25% बच्चों का निःशुल्क नामांकन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसके लिए उपायुक्त स्तर से सभी संबंधित प्रचारों को नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया कि अगर ये नहीं होता है तो कार्रवाई होगी। पदाधिकारियों के वाहन से हटेगा पदनाम प्लेट। जिला समिति प्रदेश के पदाधिकारियों के गाड़ियों से अब तक पद का नेम प्लेट नहीं हटाया गया है। अधिकारी से लेकर राजनीतिक दल व अन्य प्रभावी लोग अपने वाहन से बोर्ड लगाकर चल रहे हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों हाईकोर्ट को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। कहा कि जब वाहनों से लाल व पीली बत्ती हटाया जा सकता है तो अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के पदनाम को प्लेट की वाहनों से हटाया जाना चाहिए। कोरोना काल में पुलिस को 2 मोर्चे पर झेलनी पड़ी चुनौती।
वर्ष 2020 का समापन आज हो जाएगा। यह साल कई मायनों में अहम रहा, जिसमें प्रमुख रूप से कोरोना वायरस ने 9 महीने तक अपना प्रभाव दिखाया। इस दौरान 3 लॉकडाउन व अनलॉक की प्रक्रिया से लोग रूबरू हुए, जिसके कई गाइडलाइन जारी हुए। सभी 3 जनवरी तक उक्त गाइडलाइन जारी रहेंगी। इस साल पुलिस को साल 9 महीने में 2 मोर्चे पर चुनौती झेलनी पड़ी। पहला तो विभाग का अपना काम, जिसमें कांडों के अनुसंधान के साथ ही अपराध नियंत्रण शामिल है। दूसरी ओर लॉकडाउन का अनुपालन कराने में पुलिस की भूमिका अहम रही, जिसका परिणाम रहा कि जिला लॉकडाउन में अपराध पर नियंत्रण रहा। साइबर अपराध के 4 आरोपित गिरफ्तार, 2 फरार। साइबर अपराध पर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पाया है। बुधवार को करमाटांड थाना क्षेत्र में हेड करमाटांड गांव की पुलिस छापेमारी कर 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। चारों में एक नाबालिग है, जबकि 2 आरोपित पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के वनभोज में जुटे पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और सारण विधायक रणधीर। बुधवार को जामताड़ा के पिकनिक स्थल लादना डैम के किनारे कांग्रेस द्वारा 2020 के अंतिम दिन एवं 9 वर्ष की शुभकामनाएं के साथ वन भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, पूर्व मंत्री वर्तमान सारण विधायक रणधीर सिंह, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी व जेएमएम के जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेमराम आदि शामिल हुए। मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने मौका बिहार के साथ साथ पर्वतों का आनंद लिया और वनभोज का आनंद उठाया। ब्लड बैंक में खून की कमी को दूर करेंगे मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य। मारवाड़ी युवा मंच जामताड़ा द्वारा आगामी 19 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर आयोजित करने को लेकर मंच के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ब्लड बैंक जामताड़ा में रक्त की कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में कल कोरोना से 2 मौतें, फिर मिले 223 पॉजिटिव, जाने ताजा हाल। झारखंड में एक बार फिर बुधवार को स्वस्थ होने से अधिक नए कोरोना संक्रमित मिले। 24 घंटे के भीतर यहां 223 नए संक्रमित मिले, जबकि 185 मरीज की स्वस्थ हुए। वहीं रांची में 2 कोरोना मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में 15,534 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 223 संक्रमित पाए गए। एक बार फिर सबसे अधिक रांची में 87 संक्रमित मिले, हालांकि यहां 90 मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम में 40, बोकारो में 20, धनबाद में 18 तथा हजारीबाग में 13 संक्रमित की पहचान हुई। गोड्डा, जामताड़ा, कोडरमा, पाकुड़, साहेबगंज में कोई संक्रमित नहीं मिला। ड्यूटी पर होमगार्ड का जवान गिरा, हुई मौत। ECL की SP माइंस चित्रा कोलेरी की स्टैटिक ड्यूटी में तैनात होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। मृतक होमगार्ड जवान बलदेव महतो जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के चारा बहाल पंचायत के नीच कजरा गांव का निवासी था। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम करीब 6 बजे होमगार्ड के जवान चित्रा कोलोरी के पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक होमगार्ड का जवान बेसुध होकर गिर गया और उनकी मौत हो गई। नया पाड़ा ने ब्लैक डुमकंस को 10 विकेट से धोया। तारकेश्वर चौबे मेमोरियल जिला क्रिकेट लीग मैच में बुधवार को नयापाड़ा और ब्लैक डुमकंस के बीच मैच हुआ, जिसमें नयापाड़ा की टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की, अगले चक्र में प्रवेश किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्लैक डुमकंस की टीम 35 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 115 रन का लक्ष्य खड़ा किया। ब्लैक डुमकंस की ओर से प्रतीक मिज ने 40 और प्रदीप हेम्ब्रम ने 20 रनों का योगदान दिया। नयापाड़ा की ओर से गेंदबाजी करते हुए अमन सिंह ने 4 विकेट चटकाए, जबकि अमित कुमार को भी 4 सफलता हाथ लगी। प्रशांत कुमार ने 1 विकेट लिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।